शिवपुरी में नशा अपना डेरा बना चुका है, जिसे खत्म करने के लिए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। साथ ही प्रोग्राम करा के लोगों को जागरूक भी कर रहा है। ऐसे ही कल शिवपुरी ऑटो यूनियन ने पुलिस का साथ देकर एक ऑटो रैली निकाली, जिसे शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में श्री चंदेल ने समस्त ऑटो वालों को, पुलिस स्टाफ व मीडिया कर्मियों का धन्यवाद व्यक्त किया। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। मादक पर आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? बेसिकली एक वाहन रैली रखी है, जिसमें ऑटो टैक्सी यूनियन वालों ने हमारे यातायात वालों के साथ मिलकर जो एक लगातार अभियान चल रहा है जन जागरूकता का कि मादक पदार्थों का सेवन ना करें, इससे परेशानियाँ होती हैं, तकलीफें होती हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं, और उसमें जागरूकता के लिए एक रैली निकाली जा रही है। इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि खुद ऑटो चालकों में से भी काफ़ी सारे लोगों ने इनिशिएटिव लेके स्वयं इस जो अभियान में भाग लिया है, और वो खुद भी अपने लोगों में बीच में ये बातें करेंगे और पूरे शहर में भी इस जागरण को चला रहे हैं। और इसमें कई सारे कुछ और लोगों ने भी साथ में इनके जुड़ के होर्डिंग वगैरह पोस्टर बनाए हैं जो इसकी भयावहता को बताते हैं नशीले पदार्थों को करने के लिए। और मुझे उम्मीद है इससे एक जनता में अच्छा मैसेज जाएगा और एक हम लोग शिवपुरी में मादक पदार्थों की दुष्प्रभावों को रोकने में सफल होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।